संतों के साथ मई 7 तारीख को माता कलीसिया सेंट रोज वेनेरिन को याद करती है। रोज का जन्म इटली के वेटिवो में एक डॉक्टर की बेटी के रूप में हुआ था। अपने मंगेतर की मौत के बाद वह एक कॉन्वेंट में प्रवेश कर गईं, लेकिन जल्द ही अपनी नई विधवा माँ की देखभाल के लिए वह घर लौट आईं। इस बीच रोज ने पड़ोस की महिलाओं को अपने घर में माला पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उनके साथ उनका एक प्रकार का संबंध बन गया। उसने एक जेसुइट पादरी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अपना भविष्य देखा। रोज को ये विश्वास हो गया था कि उसे एक कॉन्वेंट में एक चिंतनशील नन की बजाय दुनिया में एक शिक्षक बनने के लिए बुलाया गया था। स्पष्ट रूप से उसने सही विकल्प चुना। वह एक जन्मजात शिक्षिका थी, इसीलिए 1685 ईस्वी में उसके द्वारा खोली गई लड़कियों के लिए निशुल्क स्कूल को सफलता प्राप्त हुई। जल्द ही कार्डिनल ने उसे मोंटिफेसिकॉन के अपने धर्म प्रदेश में शिक्षकों और स्कूलों के प्रशासन के प्रशिक्षण की देखरेख करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे रोज की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उसे रोम सहित इटली के कई हिस्सों में स्कूलों को व्यवस्थित करने के लिए बुलाया गया। उसका स्वभाव कार्य के लिए भी सही था, क्योंकि रोज को अक्सर काफी विरोध झेलना पड़ता था, लेकिन वह कभी भी विचलित नहीं हुई। उनका 1728 ईस्वी में रोम में निधन हो गया, जहां कई चमत्कारों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्हें 1952 में धन्य घोषित कर दिया गया और 2006 में संत। समिति या महिलाओं के समूह को, जिसे उन्होंने प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया था, अंततः उसे एक धार्मिक मंडली का दर्जा दे दिया गया। आज वेरेनिन के धर्म बहनों को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर इटली के अप्रवासियों के बीच काम करते हुए देखा जा सकता है।